पंतनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित उद्योगों से निकलने वाले धुएं से वायु प्रदूषण हो रहा है। प्रदूषण को कम करने के लिए औद्योगिक इकाइयां जापान की मियावाकी वन पद्धति की मदद ले रहे हैं। उत्तराखंड वन संस्थान के प्रयासों से ये पद्धति प्रदूषण रोकने में सहायक साबित हो रही है। पंतनगर सिटकुल स्थित एक कंपनी ने अपने परिसर में मियावाकी वन पद्धति से वन लगाए हैं। उत्तराखंड वन अनुसंधान संस्थान के मुख्य वन संरक्षक संजीव चतुर्वेदी ने बताया कि ये पद्धति वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण को कम करने में सहायक है। इस पद्धति के तहत मिश्रित वन लगाए जाते हैं जिनकी पत्तियां चौड़ी होती हैं, जो अन्य वनों की पत्तियों की तुलना में 10 गुना ज्यादा फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं को अवशोषित करती है। इस कारण ऑक्सीजन के निर्माण और छोटे छोटे प्रदूषित धूल कणों से होने वाले प्रदूषण को कम करने में मददगार हैं। मियावाकी पद्धति एक जापान के बॉटनिस्ट थे, उनकी निकाली हुई पद्धति है। इसमें किसी भी क्षेत्र में जो प्राकृतिक या जो स्थानीय प्रजातियां होती हैं वनस्पतियों की, उनको जो है हम दोबारा से एक रिस्टोर करते हैं इसके जरिए। मियावाकी पद्धति से 10 से 20 साल में एक प्राकृतिक वन अच्छे रूप से विकसित और स्वस्थ जो है तैयार हो जाते हैं। इससे जैव विविधता को भी संरक्षित करने में मदद मिलती है और साथ में पर्यावरण के प्रदूषण को भी कम करने में मदद मिलती है। सिटकुल में स्थापित एक प्लांट के हेड बीएस राणा ने बताया कि उनकी कंपनी के हर एक प्लांट में मियावाकी वन स्थापित किया गया है। उन्होंने बताया कि कंपनी परिसर में 2080 मिश्रित प्रजातियों के पेड़ लगाए गए हैं। ये हमारे जो लुकस टीवीएस जो हमारी कंपनी है, इसमें सभी प्लांटों में इसको एक ऐसा एक काइंड ऑफ इनिशिएटिव की तरह से हमने लिया हुआ है कि हर एक प्लांट में हमारे मियावाकी फॉरेस्ट हमने बनाए हैं। इससे बहुत ही कम क्षेत्र में हम लोग बहुत ज्यादा पेड़ हम उसको उगा सकते हैं। तो एक मानसिकता बनती है, एक पॉजिटिविटी आती है एनवायरमेंट में, जब हम देखते हैं कि हमारी एक जो कंपनी है जिसमें ज्यादातर मशीनें और लोग धूल और तेल में काम कर रहे हैं, वहां पे बाहर निकलते ही एक बहुत बढ़िया मियावाकी फॉरेस्ट है जिससे बहुत ज्यादा स्ट्रेस रिलीविंग होता है।